बहन के लिए लड़का देखने गए भाई के साथ रास्ते में क्या हुआ और लड़के के साथ भूतों ने संबंध बनाकर कैसे अपने वश में किया। ये घटना मेरे साथ आज से 50 साल पहले घटी थी। मेरा नाम जयेश जाधव है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन खत्म होने से पहले मैं छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। मैं इस जगह से अनजान था। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या फिर उस वक्त थी ही नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाजों से मैं यह अंदाजा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता मगर मेरे पूछने से पहले वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से लेकर पांव तक कंबल ओढ़े हुआ था। अगर मैं कुछ ओढ़े ना होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल को ठीक से नहीं देख सकता था, मगर उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह जरूर कोई 40 से 45 वर्ष का व्यक्ति ही रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडहर जैसे घर का बाहरी अहाता पार किया। मैं उसके कैरियर पर अपना एयरबैग संभाले बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज न जाने कहां तक पहुंच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले, उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बस पहुंचने ही वाली होगी, ये आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना यह बस आपको कभी मिलने वाली नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो है मगर केवल 3 घंटे के लिए ही आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू, मैंने कहा। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरों में तारों की रोशनी को मैं जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वह भी गायब हो गया। मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना लगता था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए एक समान हो। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया, मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। कहां है बस, यहां तो कुछ भी नहीं है। पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था मगर वह दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था।